जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रामनगरी अयोध्या में आज से क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। सबसे पहले आपको उस क्रूज की तस्वीर दिखा देता हूं जिसे सरयू में उतारा गया है, और देखा जाए तो इस तरीके की ये पहली सेवा है सरयू नदी में अयोध्या में, चूंकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से इस क्रूज सेवा को शुरू किया गया है। आजाद बंसल जी हैं जो निजी कंपनी इसको संचालित कर रही है, उसके संयोजक हैं। आजाद जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, चूंकि बारिश हो रही है, उद्घाटन का कार्यक्रम था, क्या कुछ खासियत है इस क्रूज की? खासियत ये है कि पहला अयोध्या का पहला क्रूज है। सबसे पहली बात तो वातानुकूलित है, बिल्कुल एकदम एयर कंडीशन है, और इसमें हमने बहुत ही नॉमिनल किराया रखा है, 300 रुपए इसका किराया रखा है, जिससे आम आदमी इसमें सफर कर सके और घाटों का आनंद ले सके। और इसकी राइड एक तरफ से 9 किलोमीटर की है, आना जाना 18 किलोमीटर का है, और सारे घाटों के बारे में हमारे एक्सपर्ट इसमें बिल्कुल रहेंगे जो सारी चीजें बताएंगे। जी, इसकी कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है इसमें? 70 लोगों के अंदर बैठने की व्यवस्था है, 30 से 35 लोग इसमें बाहर डेक पर खड़े हो सकते हैं। तो जो आपकी कंपनी है, क्या आने वाले समय में कुछ और भी क्रूज को उतार सकती है? हाँ बिल्कुल, और भी हमारे एकदम से आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं। हम और बड़े क्रूज ला रहे हैं, लग्जरी क्रूज ला रहे हैं, जो जैसे हाँ अयोध्या के लिए लग्जरी क्रूज ला रहे हैं। ये पहला क्रूज है, चूंकि यह पहला क्रूज है, हालांकि इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन अब जिस कंपनी ने ये जिम्मेदारी ली है, जिस कंपनी ने ये कदम उठाया है, उस कंपनी की ये प्लानिंग है कि आने वाले समय में जो और बड़े लग्जरी क्रूज हैं उनको यहाँ पर उतारा जाए। देखा जाए तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में इससे पहले हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की गई थी, हालांकि कुछ दिनों बाद उस सेवा को बंद कर दिया गया, लेकिन सरयू में इस तरीके का ये पहली बार है जब किसी क्रूज को उतारा गया है। कुछ साधु संत हैं यहाँ के मेरे साथ, दिवाकराचार्य जी हैं। दिवाकराचार्य जी, अयोध्या वासी होने के नाते, चूंकि देखा जाए तो बनारस और संगम में तो ऐसे क्रूज पहले चलाए जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या में इस सेवा की शुरुआत की गई है, क्या सोचते हैं? देखिए, निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से और उत्तर प्रदेश के गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर धर्म तथा संस्कृति के पर्याय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में अयोध्या नए नए आयामों को रच रहा है, और उसी पथ पर अब आगे चलकर ये बंसल जी, आजाद बंसल जी के माध्यम से, इनके सहयोग से अयोध्या में क्रूज जो चालू हुआ है, ये राम राज्य की परिकल्पना में इनकी बड़ी विशेष जगह है, क्योंकि भगवान राम को केवट ने भी नौका पे ही बिठाकर गंगा पार कराया था। आने वाले समय में इन्हीं नौका बिहार से राम भक्तों के दर्शन के लिए सुगमता और सरलता प्राप्त होगी, तो ये अपार हर्ष और खुशी भरी हुई है, और उस त्रेता युग का संस्मरण हो आया। शायद जब लोग जब यहाँ नौका विहार चालू हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और मैं स्वस्ति प्रार्थना मंत्र भी कर रहा था, तो लोगों ने उसी त्रेता युग का संस्मरण कराया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय जयकार भगवान श्री राम के, जय जयकार से, शंखनाद से, शंखत ध्वनि से, घंटी ध्वनि और वेदों मंत्रोच्चार से यह शुरू हुआ, ये सर्व मंगल कल्याण की कामना से। और भारतीय सनातन संस्कृति को विश्व में स्थापित करने के लिए जो चीजें हो रही है, निश्चित ये मतलब अविस्मरणीय है। धन्यवाद देता हूँ मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, साथ ही इसके सहयोगी जो बंसल जी, आजाद बंसल जी, और जो पूरी टीम है इस क्रूज की, इन सारे लोगों को। ये जो सहयोग है, ये राम भक्तों के जो राम मंदिर बन रहा है उसमें दर्शन और अयोध्या की दर्शन, सरयू माँ, सरयू के जो तीर्थ क्षेत्र है उनका दर्शन करने में सुगमता और सरलता प्राप्त होगी। तो जैसा कि दिवाकराचार्य जी ने कहा कि आखिर इस क्रूज के स्टार्ट होने से क्या कुछ होगा, एक बार फिर से आपको क्रूज की तस्वीर दिखा दूं। दरअसल आज पहला दिन है और पहले दिन इसका ट्रायल किया जा रहा है। आप देखिए, सरयू की बीच धारा में इस वक्त ये लग्जरी क्रूज मौजूद है, आधुनिक सुख सुविधाओं से ये लैस है पूरा क्रूज। तकरीबन 60 से 70 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और सरयू के अंदर तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी ये क्रूज तय करेगी। हालांकि उस दौरान जो यहाँ के गाइड होंगे वो भी इस क्रूज पर मौजूद रहेंगे, और जो भी श्रद्धालु इस क्रूज के अंदर मौजूद होंगे उनको अयोध्या के बारे में, अयोध्या के जो घाट के किनारे जो प्रमुख धर्मस्थल है उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त मैं जो पक्का पुल है अयोध्या का, जो सरयू घाट है, वहां पर मौजूद हूं, और यहीं से ये सेवा शुरू की जाएगी, और यहां से लेकर गुप्तार घाट तक, क्योंकि देखा जाए तो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है, और एक तरफ से 8 से 9 किलोमीटर की ये क्रूज जो दूरी है वो तय करेगा। अगर अप डाउन की बात करें तो तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कुछ और भी लोग हैं यहाँ के, उनसे चूंकि बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि इस सेवा के शुरू होने से क्या क्या कुछ बदलाव होगा, और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आखिर वो क्या सोचते हैं। जिस तरीके
तरीके की सेवा शुरू की गई है अयोध्या में, चूंकि पहला ये मौका है कि सरयू में किसी क्रूज को उतारा गया है, क्या सोचते हैं? अयोध्या पर्यटक की दृष्टि से बहुत अच्छा है क्रूज, बहुत भविष्य में इसकी बहुत संभावनाएं आएंगी, यहाँ के पर्यटक लोग आएंगे, इसका उपयोग करेंगे, घूमेंगे सरयू नदी के तट पर, यही कहना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो इस क्रूज को देखने पहुंचे हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव बाबू सिंह है, मैं यही अयोध्या का रहने वाला हूँ। गौरव जी ये बताइए कि चूंकि ये पहली ऐसी सर्विस है अयोध्या में देखा जाए तो सरयू में पहली बार इस क्रूज को उतारा गया है, क्या लगता है आपको कितना बदलाव आएगा और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कितना महत्व? बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और अग्रेतर आता ही जा रहा है। जब से ये माननीय बाबा जी की सरकार, योगी जी की सरकार बनी है हमारे उत्तर प्रदेश में, मेरा अयोध्या, हमारा अयोध्या बिल्कुल चमक रहा है। आप देखेंगे सड़कों का विकास हो रहा है, एक नई अयोध्या विकसित हो रही है। ये जो पुरानी अयोध्या में सक्रिय गलियां और लोगों के आवागमन में जो बाधाएं थी उनको दूर करते हुए शहादतगंज बाईपास से लेकर के और नए घाट मार्ग तक और ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पूरा चौड़ीकरण किया जाना, क्रूज उतारना, श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ी है, इतनी बढ़ी है कि आप मेला के दिनों पे अगर आप देखें तो आपको तिल रखने की जगह नहीं होती, इस तरह का अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां तक कि क्रूज की बात है तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार का और हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए और अभी इनसे हमारी बात भी हुई, इन्होंने कहा अभी एक राइड आपको कराई जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहां के श्रद्धालुओं को भी बहुत अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से ये बहुत प्रशंसनीय है और सरकार का ये कदम बहुत धन्यवाद योग्य है। भाई साहब आइए, क्या कहना चाहेंगे, क्रूज सेवा को यहाँ पर शुरू किया गया, इससे कितना कुछ बदलाव आएगा? देखो समय अनुसार परिवर्तन सृष्टि का नियम है और भगवान श्री राम के नगरी अयोध्या नगरी के अंदर ये जो क्रूज प्रारंभ किया गया है इससे पर्यटन का बहुत बड़ा आकर्षण बनेगा, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आएंगे और ये सरयू नदी को निहारेंगे जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बने और राम मंदिर आपके सामने बन रहा है और उन अग्रांताओं को उन ओछी राजनीति करने वालों का जवाब मिल रहा है कि वो जो कहते थे बोलते थे कि मंदिर वही बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख भी आपके सामने आ चुकी है, मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और पूरे अयोध्या का चौतरफा विकास हो रहा है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इसका जो एक क्रूज चलाया जा रहा है इसकी धाक जो है पहुंचेगी और अधिक से अधिक मात्रा के अंदर पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पे आएंगे और भगवान श्री राम के मंदिर पे जन्म स्थान पे दर्शन करके इस क्रूज पे जो सरयू नदी है उसका आनंद लेंगे। एक बार फिर से आपको क्रूज की तस्वीर दिखा दूं, दरअसल ट्रायल के तौर पर आज इसको पहली बार इस क्रूज को सरयू नदी में उतारा गया है लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में ये जो सेवा है पूरी तरीके से संचालित होने लगेगी। क्रूज को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग सरयू घाट पहुंचे हुए हैं और लोगों का भी मानना है कि कहीं ना कहीं इस क्रूज के चलने से चूंकि पर्यटन का विकास तो होगा ही, साथ ही में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र होगा। हालांकि जिस निजी कंपनी के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है उसकी ये प्लानिंग है कि आने वाले समय में और भी ऐसे क्रूज सरयू में उतारे जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। अयोध्या में अब त्रेता युग वाला नजारा देखने को मिलेगा। रामनगरी अयोध्या के सरयू में जटायु क्रूज बोट शिप का संचालन शुरू हो गया। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन के बाद जटायु क्रूज सरयू नदी में उतर गया है। रिपोर्ट आप देखिए। जटायु क्रूज कराएगा अयोध्या की सैर। वाराणसी की तर्ज पर अब रामनगरी अयोध्या में भी पर्यटक जटायु क्रूज का मजा ले सकेंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजन के बाद जटायु क्रूज सरयू नदी में उतर गया है। ये क्रूज गुप्तार घाट से नया घाट तक 18 किलोमीटर की पर्यटकों को सैर कराएगा। इस क्रूज को रामायण की थीम पर तैयार किया गया है। इस पर रामायण के लोकप्रिय भागों को दिखाया गया है। भक्त रामायण कालीन सरयू के घाटों के जरिए अयोध्या की धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित हो सकेंगे। जटायु क्रूज सरयू की लहरों पर रोमांचक यात्रा की अनुभूति कराएगा। अयोध्या के नया घाट से गुप्तार घाट तक लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा यह क्रूज कराएगा। जटायु क्रूज में एक साथ 100 पर्यटक सैर कर सकेंगे।
इसमें 70 लोग क्रूज के अंदर तो 30 लोग क्रूज के बॉटम पर जल यात्रा का आनंद ले सकेंगे। इसका किराया प्रति यात्री 300 रुपए है। क्रूज में बैठकर पर्यटन प्राचीन मंदिरों और शांत घाटों को देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। यात्री शहर के समृद्ध इतिहास, प्राचीन मंदिरों और शांत घाटों को देख सकते हैं, जो किसी अन्य से अलग आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव का आनंद प्राप्त करते हैं। क्रूज में रामकथा भी सुनाई जाएगी। जटायु अयोध्या में ऐसी पहली सेवा है जो कि एक प्रीमियम क्रूज सेवा है। इसके अलावा एक और पुष्पक नाम की क्रूज सर्विस इस साल के अंत में शुरू कर दी जाएगी। यह पुष्पक नाम का क्रूज बड़ा होगा। इसमें लगभग 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।